लास्ट की क्लास में मैंने आपको रेशो के 1 to 15 क्वेश्चन करवाए थे, 1 से लेके 15 तक हमने किए थे। आज हम लोग 16 से लेके 25 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आनंद अर्न्स ₹80 इन 7 आवर्स। 7 आवर्स में कितने पैसे कमाए बेटा? ₹80। प्रमोद ने कमाए 90 12 आवर्स में। तो उनकी रेशियो बतानी है अर्निंग की। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो दोनों सेम काइंड के सेम यूनिट होने चाहिए। तो आप एक काम करें, पहले इसको लिखें 80/7, ये 1 आवर की अर्निंग होगी ना, और रेशियो 90/12, ये इसकी 1 आवर की अर्निंग होगी। इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको एलसीएम लें तो कितना आएगा? 12 × 7 करेंगे 84, ये 12 से करेंगे तो 960, इसको करेंगे 7 से तो 630, ये कैंसिल हो जाएगा, 96 रेशो ये आएगा। लेकिन क्या बताया था मैंने आपको कि इसको हमें स्मॉल फ्रैक्शन में लेके जाना होता है। तो 3 से कैंसिल करोगे 32, 3 से कैंसिल करोगे 21। देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी सर, बिल्कुल है, तो ए पे टिक कर दीजिए। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10। दो नंबर हैं, इनका रेशियो है 7:10 और उनका डिफरेंस है 105। तो देखो किस किस का रेशियो डिफरेंस 105 है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो 7:10 में देखो कौन है। अगर हम लोग ऑप्शन सी को चेक करें तो 245 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 7 से तो आंसर आता है 35। इसको करेंगे 10 से, हाँ, तो यही हमारा आंसर है। देखो आप जब इसको सोल्व करके देखोगे 245/350, तो इसको जब कैंसिल करोगे 245 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 49, और इसको जब 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 70। अब देखो ये 7 से जाएगा, ये 10 से जाएगा, तो 7:10 आ गया ना, तो यही हमारा आंसर है। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि हमारे जो ये क्वेश्चन है ऑप्शन से करेंगे तो हमें ज्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी क्यू आर 3 सिटीज हैं। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर P/Q का एवरेज टेम्परेचर है 11/12, और P/R का एवरेज टेम्परेचर है 9/8। तो रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर, हमें क्या चाहिए? Q/R चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ कैसे करोगे आप, कोशिश करो कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, करके देखिएगा फटाफट से और बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। नहीं समझ आ रहा? देखो क्या करो, ये P/Q है ना, इसको कर दो Q/P, ये हो जाएगा 12/11। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मैं P/R को मल्टीप्लाई कर दूं Q/P से, P से P कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q/R बचेगा ना, बस यही तो करना था। 12/11 × 9/8 मैंने किया, इसको किया 4 से 3 पे, 4 से किया 2 पे, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 22। तो 27:22 B हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना बेटा, दो बार करके देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। करना क्या है, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये बताओ कैसे करोगे। आपको मैंने पहले ए रेशो बी वाला क्वेश्चन सिखाया था और क्या बताया था, यहां एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है, इसमें पुट कर दीजिए बस। आप मुझे करके दिखाओगे, मैं नहीं करूंगा बेटा अभी ये क्वेश्चन, पहले आप मुझे बताओ करके कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन मुझे अभी करके बताओ। क्वेश्चन करते ही मेरा नंबर आपके पास सेव होना चाहिए, 9729070795, इस पे व्हाट्सएप करके बताओगे अभी कि कितना आंसर आया है आपका।
और जब मैं सॉल्व करूंगा फिर मैं देखूंगा आपने सही निकाला कि नहीं निकाला है। चलिए फटाफट से करें, एक्स के वैल्यू को 3 पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू को 4 पुट कर दीजिए। चीटिंग नहीं करनी है, ईमानदारी से करो। बिल्कुल मैं देख रहा हूं आप लोगों को कैसे कर रहे हो आप। फटाफट से करके व्हाट्सएप करो मुझे, अभी दिखाओ कितना दम है आप में। जल्दी करो बेटा जल्दी करो। चलिए आपका समय समाप्त, अब मैं करके दिखाता हूं। एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है, एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी है, 4 × 4 प्लस एक्स कितना दिया है 3, वाई का स्क्वायर करेंगे तो 16 डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब 27, वाई की वैल्यू 4, 4 × 16 64 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 9 × 36 प्लस 16 × 3 48, इसको ऐड कर देंगे 27 प्लस 64 इसको ऐड कर देंगे तो 36 प्लस 48 जब मैंने किया तो ये आया मेरे पास 84, और 27 प्लस 64 जब मैंने किया तो ये आया 91। अब जब हमने इसको सोल्व किया तो देखिए 7 से कैंसिल कर दीजिए, ये 12 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, तो ये बी आंसर आएगा। बिल्कुल सही करके दिखाया है बेटा आपने, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसा समझ लो ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाते ही सामने मिलने वाले हैं। इन दोनों क्वेश्चन को मैं अभी लास्ट में करूंगा, पहले मैं 22, 23, 24, 25 करवा दूं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये वाला क्वेश्चन 22 ये बेटा आप सेल्फ करोगे, ये मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों करोगे सेल्फ? क्योंकि अभी आपको मैंने सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन करके दिखाया है। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, X की वैल्यू 4, Y की वैल्यू 5, ये आपने पुट कर देनी है। इसका जो आंसर आपका आना चाहिए वो 17:28 आना चाहिए। आप मुझे करके दिखाओ फटाफट से, फिर मैं मानूंगा कि आपको समझ आ रहा है। और जैसे ही आप क्वेश्चन कर देंगे, मेरा नंबर आपके पास है, मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि सर हाँ मैंने क्वेश्चन कर दिया है। तो P की वैल्यू 2 पुट कर देना, Q की वैल्यू 3, X की वैल्यू 4, Y की वैल्यू 5, ये आंसर आना चाहिए बेटा। फटाफट से सोल्व करो। जल्दी से बताओ क्या 17:28 आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आ जाता है तो आपको पता है आपको करना क्या है, मेरा नंबर आपके पास है, फिर से बता देता हूं, नहीं है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे बताओगे कि हाँ सर मैंने कर दिया है क्वेश्चन, और साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिख के बताना ताकि मुझे पता लगे कि कौन सा क्वेश्चन किया है तुमने। अरे वाह, दो बच्चों का व्हाट्सएप भी आ गया मेरे पास कि हाँ सर हमने कर दिया है, बहुत बढ़िया शाबाश। आप भी करो बेटा फटाफट से।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, नंबर मैंने बता रखा है बेटा आपको, व्हाट्सएप पे डाउट भी ले सकते हो आप मेरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। 23, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म 19:31, ये 1:4 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 19:31 दिया है, इसमें से किस नंबर को माइनस कर दें कि ये 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है। पहले 15 है, मान लो इसमें 15 माइनस करता हूं, इसमें भी 15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16। सोल्व करेंगे 1:4, अरे वाह, पहला ही हमारा आंसर निकल गया। देखो 23 का आंसर आएगा A15, कि इनमें से अगर 15 15 माइनस कर देंगे तो 1:4 में बच जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 24, डेली अर्निंग्स ऑफ टू पर्सन्स आर इन रेशो 4:5। दो बंदे हैं, उनकी अर्निंग है 4:5 में, और उनके डेली के खर्चे 7:9 में हैं, और पर डे की सेविंग करते हैं 50 रुपये, दोनों के 50 50 रुपये बचते हैं, तो बताइए आंसर क्या होगा। देखो पहली बात, बी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेशो, अर्निंग का रेशो क्या है? 4:5। आंसर ए भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दोनों लोग डेली 50 रुपए की बचत करते हैं, और यहां पे पहले वाले बंदे की तो टोटल इनकम ही कितनी है? 40। अब इसमें देखो 400 500, क्या 4:5 है? हां जी सर, बिल्कुल है। अगर मैं 50 रुपए की सेविंग यहां से माइनस कर दूं, 50 की यहां से माइनस कर दूं, तो 350 450, ये खर्चा आ गया कि नहीं आ गया? तो खर्चा कितना आ रहा है? 7:9 में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 400 और 500 में से अगर मैं 50 50 रुपए सेविंग के माइनस कर देता हूं, तो एक्सपेंस का रेशो हमारा 7:9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, दो ट्रेन है उनकी स्पीड का रेशो है 7:8। इफ द ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, सेकेंड ट्रेन जो है, ये कह रहा है एक है फर्स्ट ट्रेन एक है सेकंड ट्रेन, दोनों का रेशो है 7:8, तो ये कह रहा है कि सेकंड ट्रेन 400 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, तो ये बता सकते हो 1 घंटे में कितनी जाएगी? हाँ सर, 80 जाएगी। ये लो जी 80। तो ये कह रहा है फर्स्ट ट्रेन की स्पीड बताओ, तो 1 घंटे में ये कितनी जाएगी? ये 70 जाएगी, तभी तो रेशो कितना होगा? 7:8 होगा। तो 25 का आंसर कितना आ जाएगा? हमारा सी आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपने दोबारा करके देखने हैं साथ साथ। आज वाली क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, क्लास देखने के बाद फिर से सारे क्वेश्चन आपने दोबारा करके देखने हैं बेटा। चलिए, मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में आने के लिए। चलिए पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 21 को ही सोल्व करके, 20 को सोल्व करते हैं पहले। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना पहले नोट कर लो। इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो नोटबुक में ना, ताकि फिर मैं सोल्व कराऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पी रेशो क्यू इज सब डुप्लीकेट ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से समझो मैं जो कह रहा हूं, जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व करूंगा, नोटबुक लेके साथ में इसको साथ साथ नोट करना है, ठीक है? पूरा सोल्व करने के बाद फिर से दोबारा फिर समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत कर देना बिल्कुल भी। देखो क्या कह रहा है, पी रेशो क्यू यानी कि पी बाय क्यू इट्स सब डुप्लीकेट ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर
क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है कि अगर इसका सब डुप्लीकेट, देखो ए रेशो बी है, सब डुप्लीकेट कैसे निकालते थे, रूट ए और रूट बी करते थे ना। ये कह रहा है कि अगर इसका सब डुप्लीकेट कर दूं तो पी रेशो क्यू बन जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि पी रेशो क्यू सब डुप्लीकेट है किसका, इसका सब डुप्लीकेट है। ये लिख के मैंने इसका सब डुप्लीकेट कर लिया, रूट कर लिया। अब कैसे सोल्व करना है बेटा, देखो इसको इसको ना पहले दोनों तरफ स्केयर कर लो, यानी ये रूट है इधर आके क्या बन जाएगा, स्केयर। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, स्केयर कर लिया। ये ऐसा समझ लो जो यहां पे रूट थे इधर आके क्या हो जाएंगे, ये इधर आके स्केयर बन जाएगा। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, बस इतना सा काम है। तो ये हो जाएगा पी का स्केयर, ब्रैकेट में आएगा क्यू माइनस एक्स का स्केयर, क्यू का स्केयर ब्रैकेट में आएगा पी माइनस एक्स का स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से ऐसे ना। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्केयर क्यू माइनस पी स्केयर एक्स स्केयर, ये मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, इस वाले नंबर को इन दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, पी का स्केयर क्यू के साथ, पी का स्केयर एक्स स्केयर के साथ, इक्वल टू क्यू का स्केयर पी माइनस क्यू स्केयर एक्स स्केयर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक्स स्केयर की वैल्यू पूछी है ना आपसे, तो एक्स स्केयर को एक तरफ कर लो, इसको उठा के यहां ले आओ, क्यू का स्केयर एक्स का स्केयर, और इसको उठा के इधर ले जाएंगे, फिर यानी एक्स स्केयर वाली टर्म एक साइड आ जाएंगी, क्यू का स्केयर पी माइनस पी का स्केयर क्यू। तो यहां से एक्स का स्केयर कॉमन निकाल लो बेटा, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो आगे चीज हमारे पास, और ये क्यू स्केयर पी माइनस पी स्केयर क्यू है। एक्स स्केयर को रख लेंगे यहां पे, इन दोनों को उठा के ले जाऊंगा यहां, ये इसके नीचे आ जाएगा। यहां से देखो बेटा ऊपर से कॉमन आ जाएगा पी क्यू, अंदर बचेगा क्यू माइनस पी। नीचे फॉर्मूला दिया है, देखो ये लिखा है, एक फॉर्मूला आपने ऐसा पढ़ा होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख देंगे, क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कैंसिल, तो एक्स स्केयर इक्वल टू क्या बच गया, पी क्यू डिवाइड बाय क्यू प्लस पी। देखिए कोई आंसर है हमारे पास, बिल्कुल है सर, सी आंसर आ गया हमारा, पी क्यू डिवाइड बाय पी प्लस क्यू। आपको पहले ये क्वेश्चन पूरा नोट कर लेना है, मैं फिर से दोबारा अभी समझाऊंगा आपको, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा। नोट हो गया बेटा, फिर से सुन लो क्वेश्चन, देखो मैं फिर से करके दिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाते सामने मिलेगा आपको, ये इसको हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन क्या है कि पी रेशो क्यू सब डुप्लीकेट है इसका, तो इस सब डुप्लीकेट कैसे निकालते थे, मैं बोलता हूं ए रेशो बी का सब डुप्लीकेट निकालो, तो रूट ए रेशो रूट बी ये कर देते थे ना, तो इसका मैंने रूट कर दिया और इक्वल टू में रख लिया ये। अब दोनों तरफ क्या कर लिया, स्केयर कर लो, इसके रूट तो कैंसिल हो जाएंगे और इधर स्केयर हो गया। इसके बाद क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुना, तो पी स्केयर से इसकी मल्टीप्लाई, क्यू स्केयर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी स्केयर क्यू माइनस पी स्केयर एक्स स्केयर, क्यू स्केयर पी माइनस क्यू स्केयर एक्स स्केयर। ये आया समझ, वैल्यू निकालनी है एक्स स्केयर की, तो एक्स स्केयर जिस जिसमें है इसमें है और इसमें है और इसमें है, इन दोनों को मैंने यहां लिख लिया। आपको ये पता है ना, ये माइनस का क्यू स्केयर एक्स स्केयर है तो इधर आने पे प्लस का हो जाएगा, और ये पी स्केयर क्यू स्केयर यहां प्लस का है, इधर आने पे ये माइनस का हो जाएगा। कॉमन निकाल लिया एक्स स्केयर यहां से, ये वैल्यू पड़ी है, अब इसको उठा के यहां नीचे ले आए, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पी क्यू, इसमें से फॉर्मूला बन गया पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, तो यहां से ये कैंसिल हो गया और ये पी क्यू
क्यू बाय क्यू प्लस पी, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दो बार करके देखना है आपने, ठीक है? नोट नहीं किया है तो नोट कर लो। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, वो मैं आपको अभी करवा रहा हूं। जिस बच्चे ने नोट नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके फिर से नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिएगा। 2s बाय 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। इसका डुप्लीकेट है, देखो ए रेशियो बी का डुप्लीकेट क्या होता है, ए स्केयर रेशियो बी स्केयर, यानी इसका स्केयर करने पे 2s माइनस पी का स्केयर करूं और 3t माइनस पी का स्केयर करूं तो ये बन जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि ये इसका डुप्लीकेट है, यानी इसका डुप्लीकेट कैसे निकलता है, स्केयर करने पे निकलता है, तो स्केयर करके इक्वल टू रख देंगे। देखिए 2s बाय 3t इक्वल टू, फॉर्मूला ओपन करते हैं, उसका फॉर्मूला आता है ना आपको, a माइनस b का होल स्केयर। क्या फॉर्मूला होता है? ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है बेटा। तो क्या हो जाएगा देखो, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 × 2s × b, और ये कितना हो जाएगा, ये 2s है बेटा, 25 मत समझ लेना इसको, ये 2s है। यहां से करेंगे 3t का स्केयर a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2 × 3t × p, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा देखो, यहां पड़ा है 2s बाय 3t, इसको जब सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4s का स्केयर प्लस p का स्केयर माइनस 2 × 2, 4 4 s p, और इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9 t स्केयर प्लस p स्केयर माइनस 6 t p। इसके बाद क्या करना है बेटा, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है आपने, इसकी गुना यहां इसकी गुना यहां, और करते क्या है, इसकी गुना सबसे बारी बारी करनी है, इसकी गुना सबसे बारी बारी करनी है, तो 2s की करेंगे, यहां पे कितना हो जाएगा, 18 t स्क्वायर s, फिर 2s की इसके साथ प्लस 2p स्क्वायर s, फिर 2s की इसके साथ माइनस 12 tps इक्वल्स टू, फिर इसकी गुना रखेंगे 12 एस स्क्वेयर टी प्लस 3p² t माइनस 12 tps, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसका। इसका स्केयर करके हमने ओपन कर लिया और फिर मैं बारी बारी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जिन बच्चों में +1 +2 मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है उन्हें लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है, बेटा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दो बार आप इसको बारी बारी से करके देखो। मैथ सबसे आसान पेपर है, सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स वाले पेपर में, ये मेरा प्रोमिस है आपसे, ठीक है? ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, सेम टू सेम है, तो क्या क्या चीजें बच गई देखो, 18 t² s + 2 p² s इक्वल टू 12
12 एस स्क्वायर टी प्लस 3 पी स्क्वायर टी। अब हमारे पास ऑप्शन देखो, ए दिया है ये, बी दिया है ये, सी दिया है, डी दिया है ये। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू देखो पी में दे रखी है ना सारी इधर, तो ये पी वाले एक तरफ कर लो, 2 पी स्क्वायर एस माइनस 3 पी स्क्वायर टी इक्वल टू 12 एस स्क्वायर टी माइनस 18 टी स्क्वायर एस। कॉमन बताइए क्या क्या निकलेगा, यहां से कॉमन आ गया पी का स्क्वायर 2s माइनस 3t, यहां से क्या कॉमन आएगा, एक तो 6 कॉमन आ जाएगा, एक t कॉमन आ जाएगा, एक s कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 3t, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो p का स्क्वायर इक्वल टू 6ts ये बचेगा। देखो आंसर है क्या कुछ ऐसा, हाँ जी बिल्कुल है सर, ए आंसर है, यही हमारा आंसर है। फिर से मैं आपको ये समझाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली फिर से दोबारा पूरा क्वेश्चन करके दिखा दूंगा बेटा, अभी आप इसे एक बार नोट कर लो अच्छे से। नोट कर लिया है बेटा, देखो मैं आपको बताता हूं फिर से ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, 2s रेशो 3t डुप्लीकेट है किसका, इसका, तो किसी भी चीज का डुप्लीकेट कैसे निकालते हो, a रेशो भी है डुप्लीकेट निकालो, स्केयर कर दो, लो जी, तो इसका स्केयर किया इक्वल टू ये आ गया, स्केयर करने पे मैंने क्या किया बेटा, इसका फॉर्मूला a माइनस b का होल स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया जिससे ये वैल्यू आ गई मेरे पास। फिर क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ऐसे हो जाएगा 2s की मल्टीप्लाई 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp से हो गई, और 3t की मल्टीप्लाई 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp से हो गई, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू बेटा यहां पर ये आ गई, ये दोनों सेम थे ये कैंसिल हो जाएंगे, अब ये बच गया इतना। अब जब आप ऑप्शन देखोगे तो सारी वैल्यू P में बता रखी है, P एक साइड है बाकी एक तरफ है, तो P वाली वैल्यू दोनों एक तरफ आ जाएंगी, बाकी दोनों एक तरफ आ गए, जो कॉमन आए कॉमन निकाल देना बेटा, ये माइनस हो, सॉरी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 ये दोनों क्वेश्चन को करके देखना है, और अगर ये क्वेश्चन निकल गए तो मेरा नंबर 9729070795 इस पे व्हाट्सएप करोगे, और साथ में स्माइली भी होनी चाहिए अब की बार, क्योंकि हमने बड़े वाले दो क्वेश्चन किए हैं, और ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पक्का पक्का आएंगे। और पता क्या होने वाला है, आप जब इस क्वेश्चन को बारी बारी करोगे ना तो आपको ये आंसर याद हो जाएगा, आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर आपको बारी बारी दोबारा दोबारा करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जो जो क्वेश्चन मैंने लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चन को इतनी बार करके देख लो कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाए इसका आंसर तो ये है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो बेटा मैंने आपको रेशियो का टॉपिक करवा दिया है, मैंने आपको पहले रेशियो की थ्योरी करवाई, उसके बाद मैंने 1 से लेकर 25 तक आपको क्वेश्चन करवाए, इसके अलावा भी टाइम टाइम पे मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता रहूंगा, जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जो क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हैं उन्हें भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आप वीडियोस को देखते रहिएगा, थैंक यू।